हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4 के बेसिक्स करेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी के बारे में कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे की जाती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी काम के होने का कितना चांस है या किसी काम के होने की कितनी पॉसिबिलिटी है। जैसे कि अगर आप एक कॉइन थ्रो करते हैं तो उसमें टेढ़ आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये आप कैसे फाइंड करेंगे। या अगर आप एक डाइस थ्रो करते हैं, जैसे लूडो गेम खेलते वक्त आप डाइस थ्रो करते हैं तो उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, तो उसमें 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये आप कैसे फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स जिससे कि आप किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये पूरा कंसेप्ट समझाएंगे स्टूडेंट्स, और उससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं। इस एग्जाम्पल में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, इफ यू टॉस अ क्वाइन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। अगर आप एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हमें किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और एक टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दो रिजल्ट आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इस केस में क्या होगा, इज इक्वल टू 2। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमें 2 मिल गया, अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होगा वो हम हेड के अकॉर्डिंग निकालेंगे। टोटल हमारे पास यहाँ पर दो रिजल्ट आ सकते हैं, या तो हेड या टेल, लेकिन इस समय पर हमसे जो पूछा गया वो हेड के बारे में पूछा गया है। तो हेड यहाँ पर कितनी बार है, 1 बार है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी के बारे में हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है हम चेक करते हैं कि वो चीज़ वहाँ पर कितनी बार आ रही है। जैसे इस क्वेश्चन में हमसे हेड के बारे में पूछा गया, तो हमने चेक किया कि अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें हेड या टेल आ सकता है, तो यहाँ पर हेड कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो हमसे इसी की प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा गया, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 हो गया। अब हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर हमने लिखा P और ब्रैकेट में हमने लिखा है गेटिंग अ हेड, क्योंकि हमसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा गया है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की जगह यहाँ 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1, और अपोन में यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि अपोन में हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 2। तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट्स, 1/2। तो इस एग्जाम्पल में हमने सीखा स्टूडेंट्स कि अगर आप एक कॉइन को 1 बार टॉस करते हैं तो उसमें हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है। याद रखिएगा, किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और एक टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।